हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 स्किन केयर मिस्टेक्स जो मैंने करी हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप वो ना करें, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक देखते रहें। बहुत सारी ऐसी रैंडम मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपको नॉर्मली कहीं पर भी देखने को या सुनने को नहीं मिलेंगी। एंड एक्सक्यूज़ मी मेरे गले के लिए, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट ऑब्वियसली वीडियो बनाना है तो बनाना ही है। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट वाला जो स्किन केयर मिस्टेक है वो है यूजिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स। क्या होता है कि जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं तो आपकी जो स्किन है वो सन सेंसिटिव हो जाती है, मतलब सनलाइट से आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो उसकी वजह से स्किन के ऊपर बहुत सारे डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे जो है रिकमेंड हुए थे बिकॉज PCOD का इशू था, और लॉन्गेस्ट टाइम सबसे ज़्यादा मतलब 5-6 साल तक मैंने लगातार खाई हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए। तो अगर आप PCOD का कोई इशू है तो आप बिल्कुल भी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप चेकअप करवाने जाते हैं एक नॉर्मल एलोपैथिक डॉक्टर के पास, तो वो यही आपको सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। आप होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन के लें उसके लिए, PCOD के कंट्रोल करने के लिए। और मैंने भी बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, आप ज़रूर वो चेक कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे लिंक कर दूंगी वो वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो, या आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको कमेंट में वो लिंक डाल दूंगी। जो मैं इसी के साथ जोड़ के एक और स्किन केयर मिस्टेक वो कहूँगी वो है सनस्क्रीन यूज़ ना करना। क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, नॉट ओनली बर्थ कंट्रोल पिल या नॉर्मल ओवरऑल भी, तो मेरे को याद आता है कि जब मैं 20s में थी तो उस वक्त इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, किसी को भी सनस्क्रीन के बारे में पता नहीं था, कोई किसी सनस्क्रीन को जानता ही नहीं था इनफैक्ट। तो अभी तो ऐसा टाइम है बिकॉज इंटरनेट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इतनी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, तो आपको बहुत जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप इनफैक्ट ये वीडियो भी देख रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी पता चलने वाली हैं जो मुझे पता नहीं थी उस वक्त। तो उससे क्या है कि सनस्क्रीन जब आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप जब भी सन में जाते हैं तो आप सन से सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, स्पेशली जो आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन, मेलास्मा, ये सारी चीज़ें उससे होती हैं। तो सनस्क्रीन ज़रूर आप यूज़ करें, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और आपको अभी महसूस नहीं होगा अगर आप 20s में इस चीज़ को देख रहे हो, आप अपने 30s या 40s में होंगे तब आपको वो सारे सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होंगे, जो आपने 20s में जो मिस्टेक्स किए होंगे ना वो सब उभर के आपको तब दिखने शुरू होंगी। जितना जल्दी हो सके तो अच्छा है कि आप अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। उसके बाद जो सेकंड स्किन केयर मिस्टेक जो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी करते हैं, वो है कि उनको अपनी स्किन टाइप पता नहीं रहती है। उन्हें नहीं पता होता है कि वेदर मेरी स्किन जो है वो ड्राई है या फिर ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है, तो उसकी वजह से हम लोग रॉन्ग जो है गलत प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने खुद आई थिंक इन माई 20s और जब मैं टीन्स में और 20s में मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे कभी भी पता नहीं था, और मैं यूज़ कर रही थी प्रोडक्ट जो कि ड्राई स्किन के लिए थे। एक्चुअली मेरे लिए इशू रहता था नोज़ पे ब्लैक हेड्स हो जाना और चिन के अराउंड बहुत सारे ब्लैक हेड्स, और लिप्स के ऊपर भी ब्लैक हेड्स होने शुरू हो गए थे। तो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो थर्ड स्किन केयर मिस्टेक जो मैंने करा था वो है स्विचिंग द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट्स को बार बार बदलते रहना। तो अभी तो इतना ज़्यादा मार्केट में हर रोज़ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, और हम लोग इतना ज़्यादा हमें लालच आता है कि शायद मे भी ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमें वो स्किन दे जो हम चाहते हैं, या शायद ये वाला मैं ट्राई करूँ तो शायद ऐसा हो। तो उस चक्कर में जब हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट है उनको बार बार स्विच करते जाते हैं, और कभी हम एक चीज़ लगा रहे हैं फिर दूसरे दिन हम दूसरा प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो आपकी स्किन जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। तो ऐसा करने से आपकी जो स्किन का जो बैरियर होता है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तो आपकी स्किन सेंसिटिव होने लग जाती है, आपकी स्किन अजीब सा कंफ्यूज वे में स्टेट में चली जाती है, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन अपने लिए चुने अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, उसके बाद आप उसके साथ स्टिक करें। आप एटलीस्ट उसको 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक दें, उस रूटीन को फॉलो करें अच्छे से। वो टाइम उतना लगता है किसी भी प्रोडक्ट को रिजल्ट्स दिखाने में या किसी भी रूटीन को रिजल्ट शो करने में। प्रोडक्ट स्विच करना जो है, बिकॉज ऑब्वियसली यूट्यूब के वीडियोस जब आप बनाते हो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ट्राई करने होते हैं, अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देनी है तो आपको उसमें भी ट्राई करना होता है, तो आपकी स्किन जो है वो बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरती है, और वो जो है वो पार्ट ऑफ द जॉब है जो हम लोग करते हैं। तो अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट होता है हर वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और नोटिफिकेशन
बेल दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें जो है हम लोगों को इनकरेज कर दिया अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं. नेक्स्ट जो स्किन केयर मिस्टेक जो मैंने करी है कि मैंने स्किन टोनर जो होता है वो मैंने लॉन्गेस्ट टाइम कभी भी यूज़ नहीं किया. फिर अभी हाल फिलहाल में लगे एक साल पहले जब मैंने हयालू जेल के वीडियोज़ बनाए और उसके यूज़ करने का तरीका मैंने जब ढूंढा तो मुझे पता चला कि जब आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हो स्पेशली तो आपको टोनर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आप टोनर से जो मॉइस्चर प्रोवाइड करते हो वो मॉइस्चर वो जो हाइलुरोनिक एसिड है उसको लॉक करके रखता है, उसको उड़ने नहीं देता. तो मॉइस्चर जब आप प्रोवाइड करोगे टोनर से तो ही आपका हाइलुरोनिक एसिड जो है वो बेस्ट काम करता है. ये टोनर जो है ऑब्वियसली आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं, और आज तो इतने सारे टोनर्स मार्केट में आ गए जिनमें और भी बहुत सारे गुण होते हैं. हाइलुरोनिक एसिड होता है, बहुत सारों में केमिकल एक्सफोलिएटर्स भी होते हैं, जैसे AHA BHA वाले टोनर्स भी आ गए हैं. तो वो सारी चीज़ें अगर आप यूज़ कर, फिर एसेंस आ गया है, तो वो जो है आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को बैलेंस करता है, आपकी स्किन को एक माइल्ड एक्सफोलिएशन देता है जो कि बहुत ज़रूरी है. तो टोनर ज़रूर आप इनकॉर्पोरेट करें. नेक्स्ट स्किन केयर मिस्टेक जो मैंने की है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक की है और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो है पैच टेस्ट ना करना. अब हमें लगता है कि अभी तो बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, हमें लगता है कि ओके इनको हमें पैच टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, ये तो ऑर्गेनिक है नेचुरल है हमें सूट करेंगे. बट ऐसा नहीं होता. आपकी स्किन हो सकता है कि किसी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या नेचुरल प्रोडक्ट से भी इरिटेट हो सकती है, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं जो आपको सूट ना करते हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि पैच टेस्ट करें. उसके बाद है एक्सफोलिएशन. अब हम लोगों को एक्सफोलिएशन के बारे में बोला जाता है कि हाँ बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आपकी स्किन के ऊपर जो है डेड स्किन की लेयर बनती जाती है, और फिर आपकी जो अगर आप महंगे महंगे सीरम भी लगाते हो तो वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएंगे, आपकी स्किन अनइवन लगेगी, टेक्स्चर दिखेगा. तो एक्सफोलिएशन ज़रूरी है, बट जब अगर बात आती है ओवर एक्सफोलिएशन की तो वो बिल्कुल गलत है, वो बहुत बड़ा स्किन केयर मिस्टेक है जो मैंने खुद में भी बहुत ज़्यादा किया है. तो ओवर एक्सफोलिएशन कभी ना करें, हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट कर दिया वो भी बहुत अच्छा रहता है, और टू टाइम्स आप कर सकते हो एट दी मैक्स, उससे ज़्यादा आपने नहीं करना है. और अगर तो आप केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ कर रहे हो लाइक AHA या BHAs यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिर्फ हफ्ते में एक ही बार आपको करना है, उसके अलावा उससे ज़्यादा आपको ओवर एक्सफोलिएट अपनी स्किन को बिल्कुल नहीं करना है. नेक्स्ट जो है वो है वॉशिंग योर फेस, मतलब अपने फेस को जो है जल्दी जल्दी धोना, उसको टाइम ना देना. ये चीज़ जो है मैंने अभी रिसेंटली सीखी है, इनफैक्ट मैंने आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर किया है जिसको कहते हैं कि 60-second फेस वॉश रूल. तो इस पर क्या होता है कि आपको बेसिकली 60 seconds तक अपने फेस पे जो है फेस वॉश लगे रहने देना होता है, उसको मसाज करना होता है ताकि जो भी डर्ट है ऑयल है उन सब चीज़ों के ऊपर आपके फेस वॉश को काम करने का ना मौका मिले. तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेस वॉश लगाते हैं 10-15 seconds हम लोग रखते हैं और जस्ट हम उसको हटा देते हैं. और दूसरी चीज़ जो है 60-second फेस वॉश रूल से क्या फ़र्क पड़ता है कि जब आप अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करते हो तो ऑब्वियसली आपके एक्ने तो हटते ही हैं, आपके पिम्पल मार्क्स हटते हैं और फ्यूचर में आते भी नहीं हैं. तो आप ये वाला तो आप ज़रूर खुद से आप ट्राई कर सकते हो. सबसे बड़ी स्किन केयर गलती है वो है कि किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा आशाएँ लगा देना कि आपको ये सोचना कि या स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा भरोसा करना कि हाँ वही आपकी सारी चीज़ों का हल है और उसी से ही आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, जबकि ऐसा नहीं होता है. स्किन केयर जो है वो एक पूरी साइकिल का जस्ट एक हिस्सा है. उसके अलावा उस साइकिल या उस चीज़ में जो है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं. अगर आपको एक अच्छी स्किन चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपको खूब सारा पानी पीना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री रहना, वो सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक स्किन केयर रूटीन के साथ. एक और चीज़ जो बहुत बड़ी स्किन केयर मिस्टेक लोगों की रहती है, स्किन केयर या अच्छी स्किन जो है वो रातों रात कभी भी नहीं होगी. आपको डेडिकेटेड रहना होगा और पेशेंटली उस चीज़ को करते जाना होगा, तभी आपको वो अच्छे रिजल्ट्स देगी. तो ये सारी थी मेरी स्किन केयर मिस्टेक जो मैंने की हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी ताकि आप भी अवेयर हो जाएं. अगर आप कोई और स्किन केयर मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है आप करते हो या करते थे जिससे आपको फ़र्क पड़ा है, तो प्लीज़ उसको नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, ऑब्वियसली यहाँ तक आप देख रहे हो तो आपको पसंद ही आया होगा. और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें. बाय.